गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे टू हमारा स्टार्ट हो चुका है और अभी हम हैं गांगीरे पे, जो कि गोविंद घाट जिसको हम कहते हैं, सॉरी गोविंद धाम। तो डे टू हमारा स्टार्ट हो चुका है और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए हम निकल चुके हैं और 6:30 बजे उठना था वैसे, लेकिन उससे पहले उठ चुके थे, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी हमें चाहिए था नहाने के लिए तो वो मिल नहीं पाया, थोड़ा काफ़ी लेट मिला, तो थोड़ा सा लेट हो चुके हैं ट्रैक के लिए। तो एनी हाउ ब्रेकफास्ट कर लिया, सब रेडी हो चुके हैं और ट्रैक की तरफ निकल रहे हैं अभी, और थोड़ा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है आपको एंट्री और एग्जिट के लिए। तो चलते हैं आगे और देखते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह का प्रोसेस रहता है आपको एंट्री के लिए वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर। तो देखते हैं, लेट्स गो। और गुरुद्वारा साहब भी मेरे आगे ही है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा गोविंद धाम का गुरुद्वारा साहब, मैं दिखाऊँगा आपको। गुरुद्वारा साहब यही है गोविंद धाम जी का, तो काफ़ी कहते हैं कि रहने की व्यवस्था भी यहाँ पे होती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी आज शाम को जाएंगे गुरुद्वारा साहब के अंदर और आपको पूरा टूर दिखाएंगे गुरुद्वारा साहब का भी। तो फिलहाल लेट हो रहे हैं, निकलते हैं। अगर हम वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो वहाँ पे कोई पौनी या खच्चर वगैरह कुछ नहीं जाता है, तो आपको बकेट के अंदर ही जाना पड़ता है। तो यही सुविधा, अगर किसी को चढ़ने में प्रॉब्लम है या उसकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ है तो उसको बकेट के अंदर ही जाना पड़ेगा वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है कुछ आ गई। थोड़ा सा ऊपर चलने के बाद यहाँ से एक रास्ता कटता है, ठीक है, जो कि फूलों की घाटी की तरफ जाता है। और फिलहाल यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो वहाँ पे हमारी सारी एंट्री वगैरह हो रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह की चेक पोस्ट लगा होता है, तो यहाँ पे सारी एंट्रीज होती है जितने भी लोग जा रहे होते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर, और रास्ता यहाँ से निकलता है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, फूलों की घाटी के लिए, जो कि आप देख सकते हो 4 किलोमीटर दूर है। मेंशन भी है यहाँ से है अभी 4 किलोमीटर, और जो ये रास्ता जाता है ये जाता है हेमकुंड साहिब के लिए, तो जिसमें हम कल ट्रैक करेंगे। फिलहाल आज है, आज हम जा रहे हैं फूलों की घाटी, तो बैठो चलते हैं। इस तरह का ही ट्रैक है, थोड़ा सा नैरो है लेकिन मज़ा आएगा, लेट्स गो। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ की कि फूलों की घाटी का राष्ट्र पार्क कब बना था, 1982 सितंबर के अंदर स्टार्ट हुआ था, और आज के ही दिन ही 6 सितंबर 1982 के अंदर, और आज भी 6 सितंबर है और इसी की कहते हैं कि स्थापना हुई थी इस जगह की। और वी आर सो लकी, कितने साल हो गए हमें 1982 से आज 2022 में बैठे हैं, लिटरली फीलिंग गुड यार। 6 सितंबर आज है और 6 सितंबर को ही वैली ऑफ फ्लावर का स्थापना हुई थी, मज़ा आ गाइस। यहाँ की एंट्री फीस की हम बात कर लेते हैं और टाइमिंग्स की हम बात करते हैं कि अगर आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर आपको जाना है तो आपको कितनी एंट्री फीस देनी होगी, और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, और टाइमिंग के अकॉर्डिंग भी बताता हूँ कि टाइम क्या रहता है यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अगर हम एंट्री फीस की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर एंट्री फीस की बात करी जाए तो 150 रुपीज़ है आपके फॉर 3 डेज़, और एडिशनल डेज अगर आप चाहते हो रुकना जाना चाहते हो तो 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से है। फॉरनर्स के लिए अलग स्लैब है, और कैमरा फीस आप देख सकते हो कि स्टिल कैमरा नॉन प्रोफेशनल फ्री है। और हाँ, मूवी वीडियो प्रोफेशनल अगर आप करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ है इंडियंस के लिए, और फॉरनर्स के लिए आप 1500 रुपीज़ दे हैव टू पे। एंड हाँ, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो, कोई फीचर फिल्म बनाना चाहते हो, देन यू हैव टू पे एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ टू एंड 50,000 रुपीज़ टू दिस ऑफिशियल ऑफ दी उत्तराखंड। तो आप जब भी आए, और ड्रोन बिल्कुल बैन है यहाँ पे, तो गलती से भी आप ड्रोन मत लेके आइएगा, और म्यूज़िक सिस्टम यहाँ बैन है, एयरफोन्स यहाँ पे बैन है, तो आप ये गलती से भी अपने साथ कैरी मत कीजिएगा। एटलीस्ट 5 to 10,000 रुपीज़ का ये फाइन ये लगाते हैं, तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम कभी भी आए आप ट्रैवल करें तो हेडफोन्स एयरफोन्स और अगर स्पीकर्स हैं कोई हैंडी स्पीकर्स जो आते हैं वो आप कैरी मत कीजिएगा।
ट्रैक के बिटवीन ही आपको काफ़ी सारे फूल्स देखने को मिल जाएंगे आपको। छोटा सा वाटरफॉल हमें क्रॉस करके जाना है, तो चलो हम भी इसको क्रॉस करते हैं और मिलते हैं आगे लोगों से। थोड़ा सा ब्रिज है, क्रॉस करते हैं। और अच्छा है, काफ़ी ठीक है। तो ब्रिज कुछ ऐसे पार करना पड़ेगा टीन की शेड के ऊपर से, तो बाकी आप ऊपर देख सकते हो बहुत तेज पानी आ रहा है। चलो वही पार कर लेता हूँ। तो आप ट्रैक देख सकते हो कि कितना रॉकी कितना की ट्रैक है, काफ़ी सारे पत्थर हैं यहाँ पे, तो इस थोड़ा इजी ट्रैक और प्रॉपर आपको यहाँ पर ट्रैकिंग शूज चाहिए होंगे, अदरवाइज पैंट बोलने के और आपको चोट लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं यहाँ पे। चलते चलते एक चीज़ अच्छी मिली हमें, अब मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में नहीं पता ये क्या है, अगर आप लोगों को पता है कि कुछ फ्रूट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखने में तो काफ़ी अच्छी चीज़ लग रही है, लेकिन खा नहीं सकते सॉरी जिसे, इसे ही देते हैं। अगर आप वेलियो फ्लावर्स के ट्रैक पे आते हो तो उस ट्रैक पे आपको जो साइड में एक नदी दिखाई देगी वो पुष्पावती नदी है, तो मैं नदी का एक बार नज़ारा दिखाना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत और बहुत साफ है, तो एक बार दिखाता हूँ। जो आप ये नदी देख रहे हैं ये सीधा वेलियो फ्लावर से आ रही है और उसका फ्लो बहुत तेज है, तो पानी बिल्कुल क्लियर है। आवाज़ सुन के भी आप जान सकते हैं कि कितना आनंद आ रहा होगा हमें इसकी आवाज़ सुन के, और वैली तो बहुत खूबसूरत है। अब थोड़ा सा रास्ता और ट्रैक थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो जैसे आप थोड़ा सा सीधा जाएंगे तो आप देखिए कितना ऊपर तक जाना है, वहाँ जाना है। तो चलते लेट में, क्योंकि सबसे एंड पे मैं ही हूँ और मेरे तीनों फ्रेंड्स आगे निकल चुके हैं, तो निकलते हैं। कुछ पथरीले रास्ते मिलेंगे आपको इस तरह से, और देखो आपको आगे इतना ऊपर तक जाना होता है, और वैली तो बहुत खूबसूरत है। चलते हैं आगे, थोड़ा पीछे रह गया हूँ, लगता है शॉर्टकट मानना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ इसी शॉर्टकट से ताकि उनको मैं कैच कर पाऊँ, बहुत पीछे हो गया हूँ। चलता हूँ। स्पेशली अगर आप ऐसे ट्रैक्स पे आते हो जहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है और पता कि धूप ज़्यादा होती है, तो अपने साथ में एनर्जी ड्रिंक जरूर रखिए, रेड बुल हो सकता है, स्ट्रिंग ले सकते हैं, तो काफ़ी सारे एनर्जी बार्स मिलते हैं, वो भी आप साथ लेते हैं। स्पॉन्सर नहीं है, स्पॉन्सर नहीं, पहले बताओ स्पॉन्सर नहीं है, और हाँ वैसे मेरा भी प्यार है, तो पीएगा जरूर पीएगा और ट्रैक। वैसे तो जो ट्रैक है टोटल 4 किलोमीटर्स का है, 3 किलोमीटर्स मैंने ट्रैक चढ़ लिया है, लेकिन स्टिल 1 किलोमीटर का ट्रैक अभी बचा हुआ है और काफ़ी स्टीप है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए एंड तो दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि कहाँ पे होगा इस ट्रैक का एंड, लेकिन चलना तो पड़ेगा ही क्योंकि टाइम रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एनी हाउ हमें वहाँ से 2 बजे निकलना ही है, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं क्योंकि वहाँ जाके काफ़ी सारी चीज़ें शूट करनी है, तो चलते हैं। व्यू अल्टीमेटली
कुछ इस तरह का ट्रैक है यार। और स्लाइड शाइनिंग बहुत कॉमन चीज़ है, आपको पता ही है यहाँ पे स्लाइड जोन है। वैसे भी यहाँ पे लिखा भी होगा कि स्लाइड जोन है, थोड़ा सा कहता है कि ध्यान से जाना पड़ता है वैसे, लेकिन वो वैली देखती है अल्टीमेटली। दिस इज कॉल्ड योर ब्यूटिफुल वैली, अमेजिंग। छोटा सा वाटरफॉल भी आ रहा है, बॉटल मेरी खाली हो चुकी है, भर लेते हैं थोड़ा सा। भाई छोटा सा वाटरफॉल दिखा रहा है, पानी भर लेते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी पीना मतलब अल्टीमेट, आपको मिनरल्स मिलेंगे और प्योर पानी मिलेगा। ऐसे छोटे छोटे वाटरफॉल्स आपको जब मिलते हैं ना और थोड़ा फेस वॉश करते हैं, पानी पीते हैं, तो बॉडी के अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाती है और हिम्मत मिलती है आपको ट्रैक पे और आगे जाने के लिए। तो यही पावर है, यही कहते हैं कि खूबसूरती है नेचर की, और कहते हैं कि नेचर हमें बहुत कुछ देता है और हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वैसे हम नेचर को कुछ नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप रिस्पेक्ट दीजिए और पूजिए, क्योंकि कहते हैं कि हम इनके ऋणी हैं, हम इनका उधार कभी नहीं उतार पाएंगे जो हमें नेचर से मिलता है। काफ़ी आगे आ चुके हैं ट्रैक के ऊपर और आई गेस आधा किलोमीटर का ट्रैक और बचा है जस्ट, क्योंकि इस ट्रैक पे आप कहते ना कि अज्यूम नहीं कर सकते कि कितना बचा है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आधा किलोमीटर बचा है। लेकिन मैं आपको फिर से अपने नज़ारे दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, अल्टीमेट। जितना ऊपर जाते जा रहे हैं ट्रैक उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है। तो आई होप कि वैली ऑफ फ्लावर्स के अंदर काफ़ी सारे फूल दिखें और फोटो क्लिक कर सकें उनकी। तो यही एक्सपीरियंस था और ये कहते हैं कि ये एक कहते छोटा सा एक ड्रीम था जो मैंने 15 साल पहले देखा था, जब मैं हेमकुंड साहब के ट्रैक पर गया था अपने फादर के साथ, अपनी फैमिली के साथ गया था। और 15 साल बाद मौका मिला, ऐसा नहीं था कि पहले मौके नहीं आए, लेकिन कहते हैं कि जो होता है जिस टाइम पर हो रहे हैं वो होना ही है। तो चलते हैं। तो फाइनली गाइस वी ऑलमोस्ट देयर इन दी वैली ऑफ फ्लावर्स, और 4 किलोमीटर्स ट्रैक करने के लिए हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लगे, 8 बजे चले थे, इट्स नाउ 11। और वैली की शुरुआत यहीं से होती है, छोटा तो नहीं कहूँगा लेकिन काफ़ी बड़ा कहते हैं कि एक ब्रिज है, ब्रिज तो छोटा ही है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा है। मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऊपर से आ रहे हैं ग्लेशियर का पानी है बेसिकली सारा, और कितना तेज़ है और क्लियर है, बिल्कुल बहुत बहुत साफ पानी है और पीने का तो मज़ा ही अलग है। के आसपास फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और ये देख सकते हैं आप फूलों की घाटी। फिलहाल अभी इतनी कहते हैं कि फ्लावर्स नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये वैली बहुत खूबसूरत है और आई एम नॉट हेयर फॉर दी फ्लावर्स एक्चुअली, आई एम हेयर ओनली फॉर दी वैली। ये वैली बहुत खूबसूरत है, प्लीज यार रिक्वेस्ट है आप लोगों से भाई को पूरा सपोर्ट करो यार। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसके अंदर कि हाँ लाइफ के अंदर सब सबका एक ड्रीम होता है, सब कहता है कि मुझे एक बड़ी कार चाहिए, मुझे एक अच्छा घर चाहिए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, लेकिन दिस मैन घर से निकले एक पैशन लेके। वो पैशन क्या है कि इनको अपने आप को जानना है, अपने आप को एक्सप्लोर करना है, वो पूरी सारी जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड टूर की वो सारी कंट्री एक्सप्लोर करनी है। उसमें सबसे बड़ा फायदा बताऊँ क्या है,
कि अपने इंडियन भाई का, अपने इंडियन का नाम रोशन होगा। और इस चीज़ के लिए हम, मैं आपसे और हितेश भाई और ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इनको सपोर्ट कीजिए, और जितना सिर्फ इनको नहीं यार, जहाँ भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिले उनको आप डेफिनेटली दिल से सपोर्ट कीजिए, ताकि हमारा नाम भी रोशन हो सके और इंडिया का नाम भी रोशन हो सके। तो प्लीज़ इनको सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू दो मच, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू एंड लव यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों, अपन मिलेंगे अखी दुनिया में, अपन मिलेंगे बिल्कुल, पूरा देश हमें देखेगा एंड ये देश का अपना झंडा आन मान शान क्योंकि यह खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत लोगों से मिलेंगे आगे जाके। जय हिंद, जय हिंद, टेक केयर भाई। सो गाइस, फाइनली हमारा वैली ऑफ फ्लावर का जो ट्रैक था वो खत्म हो चुका है और काफी ब्यूटीफुल था और आपको अपने सब देख ही लिया होगा। इनफैक्ट बहुत खूबसूरत वैली है, फ्लावर्स तो उतने देखने को नहीं मिले मुझे, लेकिन हाँ वैली की बात करें तो क्लाइमेट, नेचर अल्टीमेट था। और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि आप हमेशा आए और इंडिविजुअली आए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ पे रूम्स वगैरह सब अवेलेबल हो जाते हैं। तो ठीक है, अब निकल रहे हैं गोविंद धाम के लिए, ट्रैक ख़त्म हो चुका है, अब जाते हैं गोविंद धाम, मिलते हैं आपको। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सीनरी जो जितनी मैंने आपको दिखाई हैं, जितने व्यूज़ मैंने आपको दिखाए हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक कीजिए। हमें, आप चाहो तो सुबह 6 बजे और 6:30 बजे अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और कहते हैं कि ट्रैक यहाँ पे कहते हैं कि रात के समय जहाँ थोड़ा डार्क नाइट हो तो उसमें नहीं कर सकते आप, तो सुबह आप 6:30 बजे ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ, एनी हाउ आपको इस ट्रैक पे उतरना पड़ता है एटलीस्ट 4 से 5 बजे तक, डे लाइट के अंदर आपको ये ट्रैक ख़त्म करना होगा, अदरवाइज ऑफिशियल्स आपको कहते हैं कि फ़ाइन भी लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेट होते हो। तो हाँ, तो कह सकते हैं कि आपको 5 बजे से पहले पहले ये ट्रैक ख़त्म करना होगा। तो सुबह आप डे लाइट में स्टार्ट कर सकते हैं और डे लाइट ख़त्म होने तक आप इस ट्रैक को ख़त्म कीजिए और घांगरिया या गोविंद धाम तक आप पहुँच जाइए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह के एफर्ट्स मैं आगे लगाता रहूँ, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो इस साल तो शायद मेरे ख्याल से अब कुछ ही दिनों का ये ट्रैक बचा हुआ और फ्लावर्स भी कुछ खास है नहीं इस ट्रैक के अंदर। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और खुद से ट्रैक करके दिखाइए, कुछ नहीं होगा। आइए, इसी को एडवेंचर कहते हैं। टेक केयर, साइनिंग ऑफ, सी पी ऑन व्हील्स।